निर्मल याद हो जाए पर बात हम लोग सबसे मदद मांगो भाई बम। अरे रास्ते में देखता हूं हम सबकी बाबा का भोला बाबा का रैया में बहुत रंग रहता है। ऐसे आदमी साहब बहुत रहता है मांगने वाला चांगने वाला, लेकिन हमें तो देखने में बहुत अवस्था भिरा लगता है। ए भोला बाबा की दरबार है, इस रास्ता में बहुत ऐसे ऐसे मनुष्य हम लोग की मुलाकात होंगे भैया बाबा, ऐसे ऐसा हम लोग चलो अपनी भोला बाबा की दरबार में, इनकी चर्चा छोड़ो भैया बाबा, चलो हम लोग चलिए भैया बाबा। ठीक है चलो संसार में इस पृथ्वी में भोला बाबा
मंत्र और मर्यादा है, इसलिए कि भोला बाबा के पास बहुत दया है। हम सब मिलकर बाबा से आपको पति को लिए जिंदगी की दुआ मांगेंगे। मुझे पति देव जी का दुख दूर भोला बाबा कर देंगे ना। हाँ बहनी बम, बहनी बम आ देखो, ए भोला बाबा बहुत निराली है। भोला बाबा को दरबार में जो दुखिया जाती है बहनी बम, जो अपनी मन पूरा सच्चे दिल से भोला बाबा को पूजती है और चल निसार करती है, उसकी मन मन कामना वास पूरा करती है बहनी बम। बहनी बम चलो हम सब बम को मेहनत है लेकिन भाग तुम्हारी है बहनी बम। हाँ बहन, मैं भी दुआ मांगूंगी बाबा शंकर से। चलो बहनी बम, भैया बम ए भैया बम को मदद करो। हम सब अब ये बहनी बम को पति को लिए भोले बाबा से दुआ करेंगे। चल रे कमरिया शिव के घर, 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 चल रे की दरबार। क्योंकि आपको पति चल नहीं सक रहा है इसलिए हम सबको भी दुख रहा है। चल चलो हम आपको पति को पूरे हम सब अपना बाहुबली से ले चलेंगे। हाँ भैया बाप, आग गगन से बरसे रहे हैं लेकिन अब पट खुलने वाला है। हम सारे कमरिया आप बाबा को दरबार में तुम्हारे पति को लिए जल चढ़ाने जा रहा हूँ और दुआ मांगने जा रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ बैठो हम तुम्हें लिए जल भी कंट्री कर कर लाऊंगा। ठीक है भैया बाम। पहली बाम चलो सब की सब चल धारो, चलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोली तो बम बम बम।
अपने लिंग की धारण करते हो। हम सब परसों बाद एक ही बार आपको पूरे दिल से पूरे तन मन से आपको सच्चाई भक्ति करता हूँ, इसलिए कि एक दुखियारी को बहुत भारी संकट है, उसका पति कुष्ठ रोग के कारण व्याकुल बेचैन हो रही है, इसलिए बाबा हम सारे बम आपकी चौकट पर कल चोर कर सर पटक पटक कर कर आऊंगी उनकी दुख की दर्द कर देना बाबा, दुख की दर्द हर लेना बाबा। मैं अब उस दुखियारी को जा रहा हूँ आपकी तुम अपने पति की सहारे ले लो और जाओ, तुम अपने बाबा से सच्चे दिल से और हृदय से कहना कि हे बाबा हमारे पति को ठीक कर दीजिए, मैं तो ना जाने मैं कितने दिन तक भटकता रहूंगा। हम सबसे इतना ही दुआ है बहन कि आपको पति को लिए मैं भोला बाबा से बहुत कुछ मांगा, तुम जाओ अपने पति की लेकर और बाबा से कुछ मांगो, चल रहा दे दो बहनी बम को अपने पति को लेकर चल चढ़ाएंगे। Yeah.
धन्यवाद। सती सुन लो मेरे वचन को, सुन लो सत्यनारी को लिए मैं स्वयं तैयार रहता हूँ, मेरे पास अमृत का घड़ा है। सुन लो तुम अपने पति को पूरे बदन छिलक दो और देखो तुम्हारा पति का कुछ कैसा होता है। देखो सती आज
हो गए। बाबा शंकर जी आप जा सकते हैं। हे सती, अब कैसे हुआ तुम्हारा पति का बीमारी ठीक हो गया? तुम्हें ऐसा पत्नी हर इंसान को होना चाहिए। इस धरती पर देख रहे ऐसा सती नारी जो उदय को अंग अंग में कुछ रोग था, लेकिन 12 बरस तक उदय को साथ निभाया। ये सब तुम्हें तो दृष्टि से हुआ है मरुण बाली। यहाँ से राज मोहप्पा चलो लौट कर मरुण बाली। लंडी 16 उदय को शराब दिया था। एक जरूरी सूचना। हेलो, हाँ मुकेश ताजी, मुकेश ताजी चिकित्सक भुवन के रहने वाले, खुकड़ी और हर सामान तैयार करते हैं। जिनको लेना होगा, खरीदना होगा, जा करके त्रिभुवन बाजार पर हमारे मुकेश ताजी से मिले, तो बहुत सुंदर दाम में देंगे और बहुत रेट भाव में मिलेगा। उनको तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार है हमारे कंपनी के तरफ से प्यार भरा। स्वामी चलो मरिंग भाई मोहब्बत, जितना दिल लिखा था तुम्हें दुख झेलने का, दिल को साथ में दुख झेलने। ताकत से मोबाइल बासा चलो ये प्यार ही या ¡Gracias!
सूचना मेला समिति में आप कम से कम आधा लीटर डीजल बेकमरू में पहुंचा दीजिए। डीजल के खास जरूरी है। जैसे कलयुग की मैच तैयार, अरे कलयुग तू हमें बात को मान जाओ, अगर तुम्हें बात को नहीं मानते हो तो स्वयं ये परिया तुम्हें ही भोगना होगा। मैं अवधि आ गया है काल कलयुग के, मैं जाता हूँ भजन गाते बजाते मृत भुवन में, देखूंगा कलयुग क्या क्या दुर्गति किया था मानव के बीच में जाकर ही। यदि बुद्धि भ्रष्ट होता है
वही अवधि आदि समय चंदन वाले को चंदन कहा कर जुग मैं चाट जाऊंगा। मैं मानव में अपने नाम को उच्चारण ही करूंगा। मैं राजा बन का ये मृत भूवन में मैं गादी पर बैठू। करजोग मैं स्वयं तुम्हारे पीछा हूं। शक्ति का तुम्हें अवश्य प्रयोग करूंगा। जल और कलज